अग्रभु को धन्यवाद दें परमेश्वर के चौथे दिन उपवास करने के कृपा के नावाचे आभार अग्रभु के नाम की स्तुति यांचा बपतिस्मा झाला कसो वाटत आहे अजिंचा बपतिस्मा हो कैसे लग रहा है पहिलं आणि आता तुम्हाला कसं वाटतंय पहिले जे सरकार आधी आपण कसं तुमचे पहिले चेहरे कसे होते आणि आताचा चेहरा बघा आणि आपला पहिला चेहरा कसे आहे ते सांगा तर आता आपण पाहूया पहिला आपण म्हणजे ज्यांचा बपतिस्मा झाला अजिंचा बपतिस्मा हुआ त्यांचा पवित्र आत्म्याने आणि आगीने बपतिस्मा होण्यासाठी बघू आणि नंतर मग आपण उपवास प्रार्थनेचं जे चौथ्या दिवसाचं वचन ते बघू आमचा पवित्र आत्म्याचे रात्री बपतिस्मा होणे करून देखील या आणि उपवास प्रार्थना करून आम्हाला वचन चालू रोखून देईल आपण जाणून मते येते की निघाली हे मते येते की आणि त्याचं 11 उसळ 11 मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11 मत्ती अध्याय 3 त्याचा 11 मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है मैं उसकी ज्योति उठाने के योग्य नहीं वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा आपने पापन का कशरा करना है लोगों ने मैं पानी से बपतिस्मा कर दो परंतु जैसे पादर प्राणी वहाने से ही पात्र नहीं जो माझ्यापेक्षा फारच फार दूर आहे असा दुसरा कुणीतरी येत आहे तो तुमचा बपतिस्मा पवित्र आत्म्याने व अग्नीने करेल आमेन प्रिया म्हणून तुमचा बपतिस्मा पाण्याने झाला अप्रिय आपला बपतिस्मा पाणीचे देवाच्या दासाद्वारे झाला परमेश्वरचे दासाद्वारे पण आपल्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ ज्याच्या नावाने तुम्ही बपतिस्मा घेतला तो शक्तिशाली आहे आम्ही सबसे श्रेष्ठ जिसके नाम से आम्ही बपतिस्मा घेऊ सर्व सामर्थ्य तो तुम्हाला पवित्र आत्म्याने आणि आगीने बपतिस्मा आपको पवित्र आत्मा से आगीने बपतिस्मा का गरज आहे तुम्हाला पवित्र आत्म्याची आणि आगीची और क्यों जरूरत है आपको पवित्र आत्मा की और आगी ज्या वेळेला तुम्ही येशू वर विश्वास ठेवला आणि मन फिरव पश्चाताप तुमचं तुम्ही जो बपतिस्मा घेतला पाण्याने और जब आपने यीशु मसीह का स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया पश्चाताप का पानी से माता तुम्ही देवाचं मूल झालाय तो अभी आप परमेश्वर के बच्चे बन गए माता तुम्ही देवाचं मूल झाल्यानंतर देव तुम्हाला अनाथ सोडणार और अभी आप परमेश्वर के बच्चे बनने के बाद परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा योहान 14 येऊन आले 14 त्याचा 18 उसका 18 योहान 14 येऊन आले 14 त्याचा 18 उसका 18 नाही मी तुम्हाला अनाथ असे सोडणार नाही अनाथ सोडणार नाही त्याची इच्छा नाही की तुम्ही या जगामध्ये अनाथ असावे कुणी तुम्हाला बळकटून जगामध्ये पुन्हा घेऊन जावं ही बिलकुल देवाची इच्छा नाही और उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं कि आप अनाथ हो जाए या फिर आपको कोई भर पाए ऐसी परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं है तुम्हें पुनः जगह जाओ और वापस आप संसार में जाए अगर चाहे चाली रीति करावे और संसार की रीति रिवाज होना आप चले पुनः तुम्हें पाप कराओ और फिर से आप पाप करें दारू पे आओ दारू पी तंबाकू खाएंगे तंबाकू खाना मारामारी करना आयन कराएंगे झगड़ा करना शिवा देना गाली देना ये देवाची इच्छा नहीं और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं यीशु ख्रिस्त तुम्हारा पवित्र आत्मा देगा इसलिए यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा देगा अनाथ लोग अस्तर और जो लोग अनाथ होते हैं ना भटकोले जाते और वो भटकाए जाते बिगड़ले जाते और वो बिगड़ जाते पुन्हा बघा तुम्ही जेवढं अनाथ आहे या जगामध्ये और जितने संसार में अनाथ है त्यांना आई वडील नाही जिनको माता पिता नाही बिगड़लेले वो बिगड़े हुए तर त्यांना कोण रोकटोक करणार आहे क्योंकि उनको कोई रोकटोक करने वाला नाही आपल्या मर्जीचे मालिक आहेत वो आपल्या मर्जीचे मालिक आहेत कोणी ज्यांना हाताखाली ठेवलं असेल तर गुंडागिरी करतात और या फिर किसी ने उनको हाथ के करके रखा होगा तो वो गुंडागिरी करते हैं लेकिन वाइट मार्ग पर जाता मतलब वो बुरे मार्ग पर आई बड़ी यानी पालक का सवे और माता पिता और जो पेरेंट्स है वो क्यों होना चाहिए यहाँ से नहीं पाइले की मूल शिस्तित रहा और इसलिए होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो शिस्ती में बड़े हो तेंस आयुष्य चांगलो और उनकी उनका जीवन अच्छा है बिगड़ो नहीं वो बिगड़े नहीं मनु देवा ने मुलाना प्रत्येक मुलाना आई बड़ी लिए इसलिए परमेश्वर ने हर बच्चों को माता पिता दिया धन्य है अपन देवा से आभार की अपने आई बड़ी लागे और धन्य है हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद की परमेश्वर ने हमको माता पिता दिया म्हणून आपल्याला जाप विचारणारा आहे जिसे हमें जाप पूछने वाला है जाप विचारणारा आहे और जाप पूछने वाला हमें है जर आपण वाईट केलं तर आपल्याला कोण विचारतं अगर हमने बुरा किया तो हमको कौन पूछता है समजा तुम्ही उशीर आलात और समजा आप लेट आहे तर तुम्हाला कोण विचारतं तर आपको कोण पूछता है आई वडील विचारतात ना माता पिता पूछते हैं आमची शाळा सुटली ना वाजता शाळा सुटायची आजीमध्ये स्कूल सुटतात फक्त 10 मिनिटं लागायचे आणि आम्ही लोक पळत यायचो म्हणून 5 मिनिटं घरी पोहोचायचो और 10 मिनिट डबले पण भारतात जाते इथे 5 मिनिट घर पोहोच जरी 5 मिनिट उशिरा झाला ना और बोली अगर 5 मिनिट लेट हुआ ना तर आमची आई आम्हाला विचारायची एवढा वेळ का झाला तो हमारी माँ हमें पूछती थी कि इतना लेट क्यों आम्ही घाबरायचो हम डर जाते थे कारण ती झाडू घेऊन उशिरा जायची झाडू लेकर खड़ी गई थी दरवाजातच दरवाजे पर आम्ही घाबरून म्हणायचो तो हम डर तर गेले हळू हळू आले और धीरे धीरे आज पडलो नाही और आज हम भागे नहीं जेव्हा की पळून आलेलो असतो और जबकि हम भागकर आए हुए बाहर काही ना काही खाओ पर बाहर पैसे दिले रहे सर ना और भी पैसा दिया इसे हम बाहर कुछ खाकर आले आणि त्याच्या मैं किंवा किंवा रस्त्यावर भांडणं झाली असेल या फिर रोड के ऊपर झगडा हुआ होगा बघण्यात वेळ
आमच्या रस्त्याला मिनरवा थिएटर होता और हमारे रोड के ऊपर मिनरवा थिएटर था. आता मग थिएटर मध्ये पिक्चर बघ बाहेर पोस्टर असतात लावतात थिएटरला गेलात ना बाहेर सगळे फोटो असतात म्हणजे फोटो बघायचे रोज बघ काल पण बघितलं तरी पण आज बघून जायचं अगर भी देखा था वो पोस्टर आज भी हम देख कर जाएंगे तो त्याच्यामुळे ते उशीर व्हायचा और उसकी कारण लेट होता था पण ते झाडू बघूनच आम्ही लागून जातो हळू हळू आले और झाडू देख तरी हम दर दर बोलते हम धीरे धीरे आए मी एकटी नाही आले और मी एकटी नाही आले सगळी पोरं उशीर आले और सब बच्चे लेट आए हैं तर आमच्या चाळीतली म्हणजे जे बिल्डिंग मध्ये सगळी पोरं उशीरच आहे म्हणजे मी उशीर तर ते पण उशीर और हमारे बिल्डिंग के सारे बच्चे लेट ही आते की इथे बिझी रहते तर तो उनको भी लेट होता था कळत नाही ना शिकलं समजत नाही ना और कधी कधी कुछ बातें आपको समझती नहीं है ना
त्यावेळेला पवित्र आत्म्याला बोलायचं, पवित्र आत्मा मला मदत कर, मला शिकव. अगं तुम्ही पवित्र आत्मा बोलाय, पवित्र आत्मा मुझे मदत कर, मुझे सिखा. तो तुम्हाला शिकवेल, तो आपको सिखाएगा. आणि दुसरी गोष्ट, तो तुम्हाला सर्व गोष्टी आठवण करून दे. अगं दुसरी बात, तो आपको सारी बातें याद करी गेले. आपण लगेच विसरतो ना, आपण तुरंत भूल जाते ना. पवित्र आत्म्याला बोलून ठेवायचं, तर पवित्र आत्मा बोलत राहतो. पवित्र आत्मा मला आठवण करून, पवित्र आत्मा मुझे स्मरण दिले, बरोबर आठवण करून, पण पवित्र आत्मा बरोबर याद करते देणार. तो त्यासाठीच आलाय, अगो उशी नाही आहे, तो त्याच गोष्टीसाठी आलाय. व इसी बात के लिए आहे, आपल्याला देवाकडे नेण्यासाठी, आम्ही परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे, देवाकडे नेण्यासाठी, परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे. वचन तुम्ही 16 मध्ये पण वाचू शकता, आणि हे वचन आप सर्व एनिमेट पड सकता, 13 पासून तुम्ही वाचू शकता. तो यासाठी आलाय की आपल्याला देवाकडे, येशूकडे नेण्यासाठी, और वो इसलिए आए कि हमें येशू मसीह के पास लेकर जाएंगे. म्हणून पवित्र आत्मा हवा, और इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए. मग त्याची आग कशाला, तो उसकी आग क्यों, आग मला सांगा, आग आग जेव्हा कुठं पेटत असते, किती जगावर अगर आग जळती होगी, तर आपण त्याच्या जवळ जातो का, पाहून उसके निकट जाते हैं क्या, स्पर्श करतो का, और उसको छूते हैं क्या, आगीत हात टाकतो का, आग में हात डालते हैं क्या, का नाही डालते, क्यों, बाजू. तसंच आहे ना, जेव्हा आपला आगीचा बपतिस्मा होईल, तर जेव्हा मला आगचा बपतिस्मा होगा ना, तर शैतान आपल्याला हात नाही लावणार, तर शैतान आम्ही हात नाही लागेल, आपल्यामध्ये पवित्र आत्मा मला पेट साफ, पवित्र आत्मा मला पेट साफ, काही कर,
खाली कर मी तुम्हाला सांगते किती दिवस ती घाणात राहू शकते अब मैं आपको बताती हूं कि कितने दिन तक वो गंदगी अंदर रहेगी राहू शकते रह पाएगी क्या किती दिवस राहू शकते कितना दिन रह पाएगी आपका शरीर ऐसा है और हमारा शरीर ऐसे है कि जास्त दिवस तो जो मर है तो आज यूं नहीं रह सकता ज्यादा दिन तक वो मेरे वो अंदर लेकर नहीं रहता बाहर दिवस लाए उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा अनुवचन बोला है सर अनुवचन बोला है रवि यीशु बोला है जे तोंडातून खाईल ते पोटात जाईल मळाद्वारे बाहेर निघेल मग मळाचं जेवढा मळ आहे माझ्या आतमध्ये पोटातला साचलेला निघून जाईल अब रवि यीशु मसीह ने कहा है जो कुछ तुम मुझसे खाओगे वो पेट में जाएगा पेट के द्वारा मल से वो बाहर निकल जाएंगे तो जितना सारा मेरे वो सब निकल जाएंगे नक्की तो जाए वो जरूर जाएगा नक्की जाए जरूर जाए हाथ में हाथ नहीं डालो तर हे देव पवित्र आत्मा ह्यासाठीच आलेला अल पवित्र आत्मा इसलिए आहे मदतीसाठी ह्याच मदतीसाठी तो आला अल इसी मदत के लिए आहे तुम्हाला कळालं का पवित्र आत्मा काय आहे आपको समझ में पवित्र आत्मा तुम्हाला असं वाटेल पवित्र आत्मा फक्त प्रार्थनेसाठी आला आहे और आपको ऐसा लगेगा कि पवित्र आत्मा सिर्फ प्रार्थना के लिए आत्मिक राज्य साठी आला आहे सिर्फ आत्मिक राज्य के लिए आहे आपल्या शारीरिक गरजांसाठी सुद्धा तो आलेला आहे तो आता कुठे आहे माहिती शरीर मला माझ्या शारीरिक जरूरत के लिए वो भी वो आया है और वो भी कहाँ पर है हमारे शरीर में शरीराला तो आता देवासाठी तैयार करायचं और शरीर को वो अभी परमेश्वर के लिए तैयार कर रहा है म्हणून तो आला इसलिए वो आया शरीरामध्ये कोणत्या भागात तो राहतो तो शरीर में कौन से भाग में वो रहता है कुर्सी पे बैठे हुए लोग बोलो अभी कुर्सी पे बैठे हुए लोगों ने सुना एक जन बोला मत बोलो किधर रहता है उधर तो पीछे वाले लोग आ गए उधर के लोग बोलो कुर्सी वालों ने बोल दिया कुर्सी लोग पवित्र आत्मा शरीर के कौन से भाग में रहता है पवित्र आत्मा शरीर से कौन सा भाग में रहता है पर्सनल गोष्टीसाठी जे तुम्ही कुणाशी शेअर करू शकत नाही
त्या गोष्टींसाठी सुद्धा मदतगार म्हणून पवित्र आत्मा आपके हर एक वैयक्तिक बातों के लिए जो आप किसी को नहीं बता सकते उन भी बातों के लिए पवित्र आत्मा एक आपको अच्छा मददगार है तुमच्या जाणाऱ्यांमध्ये खास झाली और आप उन्हाळ्यात येते ना पवित्र आत्म्याला म्हणा पवित्र आत्मा मला ती खास घेऊन देऊ और तुम्हाला थोड्या वेळात तुमची जी खास गेली दिसेल कारण तो तुम्हाला मदतीला आहे की वो आपकी मदत केली आहे प्रत्येक गोष्टीसाठी हर बातों के लिए प्रत्येक गोष्टीसाठी हर बातों के लिए तो तुम्हाला मदतीला आहे वो आपकी मदत केली आहे बायकांना सुद्धा पुरुषांना सुद्धा जे जे त्यांचे शरीराचे जे इंद्रिय आहेत किंवा बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या गोष्टींच्या बाबतीत तुम्ही प्रत्येक गोष्टी पवित्र आत्म्याला विनव देता और शरीर के हरेक बातों के लिए आपके हर एक बातों के लिए पवित्र आत्मा से मदद मांगो गाड़ी ना मुंह खड़ा है और रानी जी को सुन है बोला हो पवित्र आत्मा तो मुंह खड़ा काट और उसने बोला है पवित्र आत्मा वो स्टोन को निकाल दे काले काले तो और क्यों नहीं निकालेगा नक्की काले जरूर निकालेगा तुम्ही प्रत्येक गोष्ट तुम्ही जसं जसं तुम्ही आता एवढ्या लोकांच्या समय मध्ये किंवा रस्त्यात उभे तुम्हाला कुठं खास आली और आप इधर ये लोगों के बीच में बैठे या फिर रस्ते में बने और आपको कुछ नहीं है ये खा तो नहीं सकते अब आप हम को जा नहीं सकते लोग बगैर तो कर सकता आप लड़े और लोग हमें देख सकते हैं तुम ये पवित्र आत्मा को बोल सकता और आप पवित्र आत्मा को बोल सकते हैं तो तुम सब मददगार है और वो आपका मददगार है मतलब इतपर्यंत सांगते जो तुम्हारा ध्यास सुधार खूब झाला असेल ना तो तुम्ही पवित्र आत्म्याकडून हेल्प मागू शकता पवित्र आत्मा कंट्रोलच्या बाहेर आहे हेल्प कर और अगर आपको हेल्प भी हुआ हो तो बोला पवित्र आत्मा नियंत्रण के बाहर है मुझे मदद कर मदद करे तो वो मदद करेगा आपको इतका चांगला मददगार दिलाय तुम्हाला शरीरासाठी तुमच्या शरीरासाठी माझ्या शरीरासाठी मी पवित्र आत्म्याला असेच म्हणते पवित्र आत्मा मला एकही आजार होतो और मैं पवित्र आत्मा को ऐसे जैसे बोलते पवित्र आत्मा मुझे एक भी बीमारी होने का देना नहीं मैंने शरीर और त्वचा सा रोग हो तो और मेरे शरीर के ऊपर त्वचा बीमारी भी बिंदी करते हैं और मुझे नहीं है पर मैं बिंदी करती हूँ उससे मेरा कोड़ा नहीं आवड़ मुझे कोड़ी अच्छी नहीं लगती तो मैं जब पुनः दूसरे ला बगित और जब मैंने किसी दूसरे को देखा हमारा कभी चेहरे में कोड़े हैं जो उनको पवित्र और फिर मैं बोलती पवित्र आत्मा मेरे चेहरे के ऊपर कभी कोड़ी आ जाए अंजारा आ जाए तेरा को बोलो और जिसको आए हैं उसको कुछ चंगाई है खरंच मी अशी बोलते मी ह्याच्यापेक्षाही खूप जाड झाली असते और मी इथे बहुत मोठी होते पण मी दुसऱ्या जाड्या बायकांना माणसांना बघून मी म्हटलं पवित्र आत्मा यांना तू बारीक होण्यासाठी मदत कर बिचारे ते काही नाही करू शकत पण मला असं होऊन देऊ नको पवित्र आत्मा और मी ते पवित्र आत्मा बोलते पवित्र आत्मा बोलून दुसरा तर अपवित्र आत्मा जे इतर जे होणे म्हणते ना माझं थायरॉइड सुद्धा मी कंट्रोलमध्ये पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आणलं मेरा थायरॉइड मी नियंत्रण मध्ये पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आहे इथंच माझी फक्त प्रार्थना चुकली होती म्हणून मला थायरॉइड झाला येही पण मी थोडीशी प्रार्थना गलत हो गई की इथे मदत घेतली नव्हती पवित्र आत्म्याला एच आय व्ही होऊन देऊ नको म्हणून विनंती केलेली वेडियार रोग होऊन देऊ नको बोललेली नंतर कॅन्सर होऊन देऊ नको हे सगळं एवढे मोठे टी व्ही होऊन देऊ नको सगळं मी बोललेली फक्त राहिला कोणता होता थायरॉइड हेच मी विनवणी करायला विसरलेली थायरॉइडच और बड़ी बड़ी बीमारी मुझे नहीं होनी चाहिए थी मैंने पवित्र आत्मा को बोला मुझे होने मत देना पर थायराइड नहीं हो ऐसा मैंने नहीं बोला था इसलिए भी मुझे होना तुम्हारा क्या इतना हेल्पर है डॉक्टर और इतना मददगार है डॉक्टर हमारा म्हणून त्याच्याशी जास्त बोलाय और उससे ज्यादा बात करा आणि असं मला सांगू नका की तुम्ही पवित्र आत्म्याशी बोलल्या येशू नाराज होईल अरे येशूच पवित्र आत्मा आहे पवित्र आत्माच येशू आहे और ऐसा म्हणणे आणि मध्ये ना की हमने ज्यादा पवित्र आत्मा से बात किया तो येशू दुखी हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि पवित्र आत्मा ही येशू है येशू पवित्र आत्मा है तो तुमच्या मदतीला येशू स्वतः त्याच्याद्वारे तुमच्या मदतीला आहे और येशू स्वयं उसके द्वारा आपकी मदत केली आहे एवढा चांगला हेल्पर त्यांनी तुम्हाला दिलाय और इतना अच्छा मददगार उसने आपको दिया है 24 आवर्स 24 घंटा तो तुमच्याबरोबर जिथं तुम्ही तिथं तो और जहां आप लोग हैं वहां पर वो आपके साथ है म्हणून त्याच्याशी मदत करा इसे उसे मदत मांगो असा रीतीने शरीरासाठी आहे और शरीर के लिए वो आए तुमच्या आत्म्याला प्राणाला कुठं नेण्यासाठी देव तिच्याकडे और आपकी आत्मा और आपकी प्राण को कहां पर लेके जाने के लिए पिता परमेश्वर के पास कळलं ना तुम्ही प्रश्न विचारला नाही म्हणून मी स्वतःहून तुम्हाला हेल्प केली आपने सवाल पूछा नहीं इसलिए मैंने खुद से आपको मदद कभी तुम्हारा बाइबल पढ़ाया नहीं और कभी आपको बाइबल समझ में नहीं आया बात तुम्हारा प्रीचिंग करता ना समझत या फिर प्रीचिंग करते समय आपको समझ में नहीं आया बोला इसे पवित्र आत्मा की दीदी काय बोलते की दीदी काय बोलते मला कळून दे मला समजून दे और पवित्र आत्मा दीदी क्या बोल रही है मुझे समझ नहीं दे रहा बघा तुम्हाला वचन ऐकायला समजेल और देखो आपको वचन समजने के लिए पवित्र आत्मा मदत बऱ्याच वेळापर्यंत इथं बसायला आवडत नाही ना और बहुत समय तक यहाँ पर बैठी गई ऐसा नहीं करता पवित्र आत्मा म्हणायचं मला जास्त वेळ बसण्यासाठी मदत कर पवित्र आत्मा बोलणे पवित्र आत्मा मुझे ज्यादा समय तक बैठी गई मदत कर तुम्हाला तो मदत करेगी इच्छा दे और आपको मदत करेगा इच्छा देगा आमेन
हालेलुया हालेलुया काही प्रश्न असून आहे अगदी सवाल आहे आपको प्रभु भोजनाबद्दल आपण पहिलं पवित्र आत्म्याचं झालं ना की मग प्रभु भोजनाबद्दल मी सांगते की प्रभु भोजन आपल्याला घ्यायचंय पण त्या अगोदर मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते और पवित्र आत्मा का होने के बाद हम प्रभु भोजन के बारे में देखेंगे पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि तुम्हें जैसे काल बड़े जो नोटे करना चाहिए जब तुम्हें मेल है तो तुम्हें नीचे जा सकता और कोई मर गया तो वहाँ पर जा सकते हो बप्तीस मर जाता है तुम्हें समझो ना कहते हैं बप्पी आप थोड़ा सा महीने का जाओ शकर और ऐसा मैं सोचना कि अभी हमारा बप्तीस मारे तो हम किसी के मरीज पर जा नहीं सकते जाओ शकर जा सकते हैं तो कुंडे ही जाते और वो किसी भी जाते होंगे तो किंवा जाण्याची विधी असो और जेणे ही विधी होते तुम्ही तिथे जाऊ शकता दुःख तुमचं सामील करू शकता आप वहां पर जा सकते हैं आप अपना दुःख वहां पर सामील कर सकते हैं त्याच्या नावाने जेव्हा जेवण ठेवतात ना और उसके नाम से जब वो लोग खाना रखते हैं 12 वगैरह 11 कधी 10 वगैरह पहिले जण वेगवेगळे करतात काही जण 10 करतात काही जण 12 करतात काही जण 11 करतात ते जेवण जेवू और वो लोग जब खाना रखते उस समय पर खाना वो मत खाना है तभी लक्षात जर कुणी तुमच्या घरातला मेला किंवा काय झालं तर तुम्ही जाऊ शकता पण केस तुम्ही काढू और आपकी गर कोई व्यक्ति मर गया तो आप वहां पर जा सकते पर आप अपने बाल मुंडा नहीं सकते टकल करू नका दाढ़ी देऊ नका और टकल नहीं करना और अपनी दाढ़ी भी नहीं काटना तो बप्तिस्मा झालेल्यांना ही जरा मध्य बाळावे लागतात लक्षात ठेवा तुम्ही केलं तर त्रास तुम्हालाच होणार आहे और आपल्याला काही फरक नाही पडणार आपने केलं तर ती वापस येणे वाली मुझे कुछ फरक नहीं पड़ता मी केलं तर मला त्रास होणार और मैंने अगर किया तो मुझे तकलीफ होगी लक्षात जो करे त्याला त्रास जो करेगा उसको तकलीफ येशू काय जोपर्यंत तुम्ही येशूच्या आधीन आहात येशू तुम्हाला वाचवेल और जो तरह येशू मसीह की आधीन जाने येशू मसीह आपको बचा दे पण जेव्हा तुम्ही आज्ञा उल्लंघन करता तेव्हा शिक्षा येते और जब आप आज्ञा उल्लंघन करते तब शिक्षा आती तुम्हाला शिक्षेचा सामोरे जावे लागते आपको शिक्षा का सामना करना पड़ता है हम सब खड़े हो जाएंगे किसको किसको पढ़ने के लिए बोला है मालूम फिर कोणा कोणाला पाय पडणे सांगितलं आहे अगर तू किसी के बातों में फंस गया आणि जर तू कोणाच्या गोष्टी मध्ये फसला बाइबल बताता है तू सब पर बाइबल सांगते तू त्याचे पाय पडणे उदाहरण के तौर पर उदाहरणार्थ अभी मैंने इसके बारे में झूठ बातें मेघा को बताई आणि मी जो बदल खोट्या गोष्टी मेघा दाईला सांगितलं आणि मेघा को मैं अब तो मैं पकड़ी गई आणि आता तर मी पकडली ये तो नाराज होगी आणि ही तर आता मुझे मैं बहुत फस गई आणि आता मी खूप फसली तब जाके बोला है बाइबल बताता है तू सब पर पकड़ गई क्षमा मांगना निपटाले पहिले से निपटाले नहीं तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा आणि बाबा सांगतात की त्याच्या जाऊन पाया पडून पहिले से निपटून टाक नाही तर खूप मोठं भांडण होईल माता पिता के सिर्फ माता पिता के हम बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे माता पिता फक्त आई वडिलांच्या आपण पाया पडू शकतो कारण ते आपले आई वडील आहेत परमेश्वरने बोलतात नाही आणि देव आहे म्हणून नाही उन्होंने हमको जन्म दिया आणि त्यांनी आपल्याला जन्म दिलेला आहे कभी कभी हम हमारे माता पिता को जो दुखाते हैं म्हणून कधी कधी जेव्हा आपण आपल्या आई वडिलांना दुखवतो तो आप उनका पैर पकड़ कर माफी मांगोगे तो कोई पाप नहीं वो आप पूजा नहीं कर रहे हो आप क्षमा मांग रहे हो इसीलिए पैर पकड़ कर माफी मांग सकते हैं आणि तुम्ही त्यांचे पाय पकडून क्षमा मागू शकता तुम्ही काय कधी देव आहे म्हणून पाय नाही पडत पण तुम्ही क्षमा मागताय म्हणून पाय पडताय म्हणून तुम्ही पडू शकता कभी कभी तिसरा पॉइंट कभी कभी हमारे जिनको हमने बहुत दुखाया रहता है आणि तिसरा पॉइंट ज्यांना आपण खूप दुखवले जातो आणि आम्ही क्षमा नाही कर रहे आणि आपल्याला क्षमा नाही करणे हमारी बड़ी है हमको वो पाना है वो इंसान हमको पाना है आणि आपल्याला त्या माणसाला प्राप्त करायचा आहे कभी भी हम पैर पकड़ कर माफी मांग सकते तेव्हा पण आपण त्याच्या पायाकडून क्षमा मागू शकतो उसमें कोई उम्र का लिहाज नहीं मग त्याच्यामध्ये कोणतंच वयाचं काही उसकी कोई वयो के बारे में कुछ अनुमान नहीं बता सकते जैसे हम बताते हैं खास करके आप लोग अभी वही वचन हम आगे जाने वाले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पाए धोए पैर धोने के लिए क्या करना पड़ा पैर को हाथ लगाना पड़ा ना पाए धोने से क्या करा लगा पाए तो हाथ लगा लगा ना लगा पड़ा लगा लगा जैसे वैसे ही हुए हमें ऐसा धोता था हम लोग ऐसे ही धोते हैं आप अपना सिर धोकर एक पीला जाना है जग लेते हैं जग ले तो ऐसे ही पानी अरे ऐसे पानी रखो ये वो सामने वाला फिर हम पानी बदल देते हैं अजून डाकू बस बदल बदल सच है तेरी कुछ यीशु ने ऐसा नहीं पैर बढ़े यीशु ने ऐसे पानी नहीं धोते यीशु ने टप लिया अरे यीशु ने बदल टप देते हैं भांडे देते हैं और बर्तन में एक शिशु के पास पैर जाकर अपने हाथ से धोया अरे भंडन में एक शिशन से पाए धोते सगे शिशन से नहीं पाए धोते इसलिए हम जब हमें छुपना होता है कहीं परिस्थिति में हमें किसी को मनाना होता है या रिश्ता बनाना है तो पैर पड़ना कोई गलत बात नहीं है लेकिन पैर पड़ो माँ जी मौसी जी भाभी जी चाची जी काकी जी वो नहीं अगर कुठे झुकायचं आणि तेव्हा आपण पाय पडतो तेव्हा आपण जर पाय पडतो तर ठीक आहे पण जर कोणाला आपण असं म्हणतो आई पाय पडते किंवा काकी पाय पडते तसं नाही कारण आता जगामध्ये कोण दिसलं लग्नात आलेले बघा सगळ्यांच्या नवरा बायको पाय
पाया पड़ता है। और जिनकी शादी हुई में सब पति, वो दोनों पति पति क्या करते हैं, सबके पैर पड़ते हैं। जो आला जो रिजल्ट देता जो दिखेगा उनके पैर हम ऐसे नहीं। आणि आपण असं नाही बायबल आपल्याला सांगतं जर तुम्ही आखिरचा अध्याय लास्ट अध्याय पडवलेला रेव्हलेशन यमुना जब उस दूध का पेड़ पड़ रहा था तो स्वर्गदूत ने उस दूध ने कहा मैं भी तेरे जैसा हूँ मेरा पेड़ नहीं पड़ना। आणि शेवटच्या अध्यायात तुम्ही वाचता तिकडे यमुना सुद्धा स्वर्गदूताचे पाया पडत होता तेव्हा देवी त्याला म्हणाला की तू माझा पाया पडू नको मैं भी तुम्हारा ही जैसा। आणि मी पण तुझ्या एक रिस्पेक्ट ऐसा करके ही देना है लेकिन जब किसी को मनाना का समय आया तो पैर पकड़ना पड़ा तो पड़ना। जर कोणाला मनवायची वेळ आली तर त्यावेळेस जर पाय पडायला लागले तर तुम्ही पाय पडा। अरुमा समज मी अभि आपण पडे होते आता आपण सगळं मध्ये राहू आपले हात जोडूया आणि पीछे बोलूया माझ्या मागे बोलूया। पहिले मराठी मी होते ते हिंदी में पहिले मराठी मी नंतर हिंदी मध्ये। पवित्र पिता पवित्र पिता मी धन्यवाद देतो मी धन्यवाद देतो तू आज मला तू आज मला तुझा मुलगा तुझा मुलगा तुझी मुलगी तुझी मुलगी तुझी संतान तुझी संतान मला बनवलंस मला बनवलंस मी धन्यवाद देतो मी धन्यवाद देतो आज माझा आज माझा तुझ्या दासाच्या द्वारे तुझ्या दासाच्या द्वारे पाण्याने पाण्याने बाप्तिस्मा झाला तू माझा बाप्तिस्मा केलास म्हणून धन्यवाद पण आता मला पवित्र आत्म्याचा आणि आगीचा बाप्तिस्मा हवा आहे। खरंच पिता मला पवित्र आत्म्याचा आणि आगीचा बाप्तिस्मा हवा आहे। प्रभू तो बाप्तिस्मा तू करतोस म्हणून आता मला पवित्र आत्म्याने आणि आगीने बाप्तिस्मा कर। आता या क्षणाला जसा माझा पाण्याने बाप्तिस्मा झाला पाण्याने बाप्तिस्मा झाला तुझी कृपा झाली तुझी कृपा झाली माता पवित्र आत्म्याने पवित्र आत्म्याने जीवन तुला देतो माझ्या शरीरातील माझ्या शरीरातील माझ्या हृदयात येऊ माझ्या हृदयात येऊ राज्य कर राज्य कर आता या क्षणात पवित्र पिता यीशु के नाम से मैं आपके सामने आती हूँ। आपने मुझे पानी का बपतिस्मा दिया मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब जब पवित्र आत्मा का पानी से बपतिस्मा हो चुका है तो मुझे पवित्र आत्मा का आपका बपतिस्मा अभी इसी यीशु के द्वारा प्रभु मैं चाहती हूँ मेरी इच्छा है मेरी इच्छा है बहुत इच्छा है मेरी बहुत इच्छा है पवित्र आत्मा से मेरा बपतिस्मा हो पवित्र आत्मा से मेरा बपतिस्मा आप से मेरा बपतिस्मा हो आप से मेरा बपतिस्मा अभी इसी घड़ी हो अभी इसी घड़ी बल से उतर बल से पवित्र आत्मा बल से पवित्र आत्मा बल से मेरे ऊपर मेरे ऊपर इसी घड़ी अभी इसी घड़ी ताकि मैं अनाथ ताकि मैं अनाथ न हो परंतु परंतु मेरे पास हमेशा हमेशा सहायक सहायक ऐसा सहायक ऐसा सहायक जो रात दिन मुझे बचाता है मुझे बचाता है और मुझे मदद करता है और मुझे मदद करता है। पवित्र आत्मा मेरे सहायक हो आप मेरे सहायक मेरे मददगार हो आप मेरे मददगार घड़ी अभी पवित्र आत्मा मुझे बपतिस्मा दीजिए आज
Thank you.
धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद 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 आपकी गुजरात में हमें आने के लिए धन्यवाद, हर एक के अंदर आने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।